जनपद मैनपुरी में जिला अस्पताल के सामने जीवनधारा हॉस्पिटल में महिला की डिलीवरी के समय मौत हो गई। घर वालों ने जमकर हंगामा काटा। घर वालों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से महिला की जान गई है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जीवनधारा अस्पताल प्रबंधक की है। बताया गया कि जीवनधारा हॉस्पिटल आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। यहाँ पर डॉक्टरों द्वारा कार्य को सही तरीके से नहीं किया जाता, इसलिए इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। बताया गया कि यहाँ पर हाई स्कूल व इंटरमीडिएट वाले स्कूल का चालन भी कर रहे हैं, जिससे इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महिला ने मृत बच्चे को भी जन्म दिया। हालत ज्यादा बिगड़ने पर चिकित्सकों ने महिला को बाहर निकाला और बाहर निकालकर हायर सेंटर सैफई के लिए रेफर कर दिया। महिला को सैफई ले जाकर जब डॉक्टरों को दिखाया गया तो डॉक्टरों द्वारा बताया कि महिला की पहले से ही मृत्यु हो चुकी है। सर, मेरा नाम मोहम्मद शमशुल्ला सर। सर, मैं अनुखेड़ा में रहता हूँ। कैसे कहना, उन्होंने सर ये कही थी कि आप हमारे यहाँ एडमिट करा दीजिए और जो खर्च 15,200 रुपये लिए थे, उन्होंने ये कहा था कि आपको बच्चा बचा के दे नहीं सकते, जच्चा बचा के दे देंगे 101%। फिर उन्होंने क्या इस्तेमाल किया औजार से, इस तरीके से उन्होंने औजार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन्होंने बिल्कुल नस कुछ जो ऐसी थी वो लेडीज ही एक्सपायरी हो गई। उन्होंने थोड़ा बस सांस रह गई, उन्होंने इन्होंने बोल दिया रेफर कर दिया। रेफर करने के लिए फिर हम लोग ले गए सैफई, एक सेकंड सैफई ले गए थे। सैफई लेने के बाद उन्होंने डॉक्टर ने ये बोला कि भाई इनके खून चढ़े, आप क्या लेके आए हो, खत्म तो आप वहीं करा लाए आप। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।